किड्स, देखिए आज हम करेंगे चैप्टर ए डिवीजन की एक्सरसाइज 26 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दिया था और उसे हमने डिवीजन फैक्ट में चेंज किया था। आज हमें डिवीजन फैक्ट दिया है जिसे हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में चेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि हमें पता है ये डिवीजन फैक्ट है, तो पहले लिख लीजिए डिवीजन फैक्ट कौन सा है, 24 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6 से 24 को डिवाइड किया कितने टाइम्स पर गया, 4 टाइम्स। ओके, अब हमें करना है इसको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में चेंज, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। ओके, तो देखिए आपका जो सबसे बड़ा नंबर है, जिस नंबर में डिवाइड दिया जा रहा है, उस नंबर को हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हुए लाना है उस नंबर को। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 4 में। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है इसलिए हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 6 का टेबल 4 टाइम्स रीड करना है आपको। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 देखिए आया, 6 का टेबल 4 टाइम्स रीड करने पर कितना आया, 24 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें एक और फैक्ट लिखना है, तो अभी हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, अब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, यानी कि पहले 4 लिख देंगे उसके बाद 6 लिखेंगे। यहाँ पहले हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम यहाँ 4 से करेंगे। अब 4 6 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 60 4 5 20 and 4 6 24। देखिए यहाँ पर भी सेम आपका आया 24, और यहाँ जब 24 में हम 6 से डिवाइड कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, और 24 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका डिवीजन फैक्ट है क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो डिवीजन फैक्ट 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू, आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जा रहा है आप डिवाइड करके भी देख लीजिए। देखिए इस तरह से 5 के टेबल में 25 कितने टाइम्स पर आता है, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25, देखिए 5 टाइम्स पर ही इसमें डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 5। हमारा भी यहाँ 5 दिया है। अब इसको चेंज करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि जिस नंबर में हम जहां डिवाइड किया जा रहा है हमें वो नंबर चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। अब इस 5 से इस 5 में करेंगे दो भी सेम नंबर आएगा आपका, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। तो ये हुआ आपका डिवीजन फैक्ट को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में चेंज करना। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 26 में क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 यहाँ हो चुका है। आपको 18 से क्वेश्चन नंबर 24 तक अपने नोटबुक में इसी तरह करना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।